मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर पंचायत में अतिवृष्टि से खेतों में भी फसल की मुआवजे को लेकर कांग्रेस द्वारा आज तहसील कार्यालय जाकर तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कांग्रेस ने मांग की कि दीपावली से पहले बिना सर्वे किए 100% मुआवजा सरकार किसानों के खाते में जमा करे, क्योंकि सामने दीपावली का त्यौहार आ रहा है और किसानों को त्यौहार मनाने के लिए रुपयों की आवश्यकता रहेगी। कांग्रेस की ये मांग है कि जिस तरह 2019 में अतिवृष्टि होने पर कमलनाथ सरकार द्वारा बिना सर्वे के 100% मुआवजा किसानों को दीपावली पहले दिया गया था, उसी तरह वर्तमान शिवराज सरकार भी मुआवजा दे। ज्ञापन में सुवासरा कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार का बड़बोलापन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि दीपावली से पहले किसानों के खाते मुआवजा और बीमा राशि जमा नहीं होती है तो वह किसानों के साथ आकर शामगढ़ तहसील मंत्री और जिला कलेक्टर के कार्यालय पर ताला जड़ देंगे। ज्ञापन देने में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, बालू सिंह, तरनोत संग्राम सिंह, कुरावन, हरिशंकर धाकड़, राकेश पाटीदार उपस्थित थे। देखो अभी लगातार 4-5 दिन से लगातार इस क्षेत्र में बेमौसम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल पूर्ण रूप से पक चुकी थी। अगर प्रकृति एक हफ्ते का मौका हमको देती तो ये फसल हमारे किसानों के घर पहुंच जाती, पर प्रकृति की नाराजगी और बेमौसम बारिश की वजह से किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, क्योंकि किसान ने कहीं ना कहीं बैंकों से लोन ले रखा, व्यापारियों से कर्जा ले रखा, खाद बीज की दुकानों से रासायनिक पेस्टिसाइड उधार ले रखे, किरानों की दुकान से बड़े बड़े जो सामान हमारे घर के हैं वो उधार ले रखे, तो सारी तरफ किसानों को केवल एक आस थी कि फसल आएगी और हम इससे बाजार का हमारा लेन देन और बैंकों का लेन देन करेंगे। पर ऐसे समय में ये बेमौसम बारिश हुई है, ये एक आपदा के रूप में किसान पूर्ण रूप से टूट चुका है। तो उसके लिए जो आज सरकारें हैं, सरकार का दायित्व होती है किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी रहे। पर ऐसे समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दो मंत्री हैं, एक तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और एक इसी क्षेत्र के जो ऊर्जा नवीनीकरण और पर्यावरण मंत्री है, पर आज दिन तक उन दोनों ने एक जगह भी खेत पे जाके ये नहीं कहा कि किसान भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो, एक दुख दर्द में हम आपको आपका जो हिस्सा है, जो मेहनताना है, जो आपका हक बनता है मुआवजा वो दिलाएंगे। क्यों नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान विरोधी रही है और उन्होंने आज ये सिद्ध भी कर दिया कि हम किसान विरोधी है। क्यों कि इसी तरीके से 2019 में अतिवृष्टि के कारण इसी क्षेत्र में नुकसान हुआ था। कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के, ऐसे ही दिवाली सामने थी एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में किसानों की दिवाली कमलनाथ जी ने करवाई थी, पूरा मुआवजा दिया था किसानों को, फिर बीमा भी दिलवाया। पर आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल कागजों में उलझा रही है, बीमा खेल रही है, मुआवजा खेल रही है कि मुआवजे के लिए सर्वे कराएंगे। भाई कौन सा सर्वे, जब चारों तरफ पानी ही पानी है, हर जगह एक जैसी बारिश है, तो कौन सा सर्वे हो रहा है? हमको तो सर्वे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पटवारी गांव में जा रहे हैं तो लिख तो कुछ रहे नहीं, न तो किसान को कुछ बता रहे, न गांव के पटेल को बता रहे, न गांव के सरपंच को बता रहे, केवल वो बोल रहे सर्वे कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं सर्वे किस बात का कर। मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि जहां किसानों की, गरीब मजदूरों की और छोटे व्यापारियों की नींद सुनी जाएगी, वहां हर ऑफिस, हर नेता के घर ताले लगाने की, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम वो कार्यकर्ता है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जिसने देशभक्तों के खिलाफ मुखबरी करी हो। इसलिए हम, हमारा शरीर में जो हमारा DNA है वो हमेशा आंदोलन का है। हमने कहा है कि अगर किसानों की मांग अगर पूरी नहीं, किसानों को मुआवजा और बीमा नहीं दिलवाया, तो तहसील के भी ताला लगाएंगे, मंत्री के ऑफिस के भी लगाएंगे और कलेक्टर कार्यालय के भी लगाएंगे और मंत्रालय का घेराव भी करेंगे। न हम डरते, न झुकते, न गिरफ्तारी से डरते, न प्रकरण से डरते, न लाठी से डरते हैं। शामगढ़ से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।